हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ संपनम टेस्ट के बारे में। क्या होता है हमारा संपनम टेस्ट, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा, और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं मैं वो भी आपको आज बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरे आने वाली अगली लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। इस जो हमारा संपनम टेस्ट है, इस संपनम टेस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है हमारा बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इनके दो नाम है, एक संपनम टेस्ट नाम है और दूसरा नाम हमारा है बैक टू बैक टेस्ट। इसका यूज़ बेसिकली हम लोग बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के ओवरलोड की कंडीशन पे टेम्परेचर राइज, कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। यानी कि ओवरलोडेड कंडीशन पे हमारे कितने लॉसेस मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कितने और टेम्परेचर राइज हो रहा है इसका, वो हम लोग यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। जस्ट सपोज दैट अगर हम लोग छोटे से ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर की बात करें, स्मॉल रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर की बात करें, तो उनमें क्या होता है, ईजिली हम लोग ओवरलोडेड की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि ओवरलोडेड कंडीशन क्या है इसका, जितने लोड के लिए हमने बनाया है उस लोड पर यह परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसकी ओवरलोडेड कंडीशन कब बन रही है। तो इस चीज़ों को चेक करने के लिए इजली मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए इजली मैं सेटअप बना सकता हूँ। जस्ट सपोज दैट अगर हमारे पास एक स्मॉल ट्रांसफार्मर है, तो मैं क्या करूँगा, अगर उसकी रेटिंग क्या है, अगर हमारा 230 KVA है उसकी रेटिंग, तो मैं क्या करूँगा, उस 32 KVA की रेटिंग का सेटअप मैं बनाऊँगा, मैं कुछ इक्विपमेंट लगाऊँगा जो कि इतना वोल्टेज इस रेटिंग को फुलफ़िल कर दे। इस रेटिंग को फुलफ़िल करने के बाद मैं उसकी फुल लोड कंडीशन मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने जिस पर्पज़ के लिए बनाया है, जितने लोड के लिए बनाया है, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, मैं वहाँ से उसे चेक कर सकता हूँ, ईजिली सेटअप बना सकता हूँ। अगर मैं बात करूं 2 MVA ट्रांसफार्मर की बात करूं, मेगा वोल्ट एम्पेयर की अगर बात करूं, तो इसमें क्या होगा कि इसका सेटअप बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हमारे लिए साबित होगा और बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगी इसकी लोड ओवरलोडेड कंडीशन या फिर फुल लोड कंडीशन को चेक करने के लिए, इसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट है संपनम टेस्ट जिसे कहते हैं, या फिर उसे हम बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। इन टेस्ट के थ्रू हम लोग इजली वे में इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ये कनेक्शन बने हुए हैं, इस तरीके के कनेक्शन होते हैं संपनम टेस्ट में। या क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दो सप्लाई वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्ट मीटर और यहाँ पर हमारा एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। इन तीनों का फंक्शन ये होगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर होगा वो क्या मेज़र करेगा, जो हम लोग इनपुट पर हमने सप्लाई देना है वो क्या करेगा, वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र होगा। वोल्ट मीटर हमारे लॉसेज को मेज़र करेंगे और एमीटर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके रेटेड करंट को मेज़र करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये दो आइडियल ट्रांसफार्मर लिए हैं जिसको कि मैंने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है सप्लाई से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मैंने वोल्टेज रेगुलेटर लिया है, या फिर इसे यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसे, कि मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर क्या करूँगा, वोल्टेज का वेरिएशन करूँगा और सेकेंडरी साइड पर मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा। अब मैं एक एक करके आपको ये फंक्शन बताता हूँ कि जितने भी हमारे मीटर लगाए हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, एमीटर वन, एमीटर टू, वोल्ट मीटर टू, वोल्ट मीटर टू, ये किस लिए है और क्या मेज़र करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने दो आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है। इस आइडियल ट्रांसफार्मर को मैंने क्या किया, सप्लाई से पैरेलली कनेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सप्लाई से पैरेलली कनेक्टेड हैं। जब ये सप्लाई से पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ पर मैं सप्लाई दूंगा, तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके रेटेड वोल्टेज को क्या करेगा, मेज़र करेगा। और यहाँ पर हमेशा हम इस ट्रांसफार्मर की रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी को ही अप्लाई करते हैं। जब यहाँ पर रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, यहाँ पर इसके रेटेड वोल्टेज को मेज़र करेगा, और ये एमीटर क्या करेगा, इसके रेटेड करंट को मेज़र करेगा, और ये वॉट मीटर क्या करेगा, वॉट मीटर W1 क्या करेगा कि इसके कोर लॉसेस को मेज़र करेगा।
कोर लॉसेस को क्यों मेजर करेगा, मैं वो अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा कि ये कोर लॉसेस को कैसे मेजर करेगा। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने सप्लाई दिया तो इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद जब प्राइमरी को हमने पैरेलली कनेक्ट किया तो हमारा सेकेंडरी जो होता है वो आपस में, इन दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरीज आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, और इसकी जो पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है वो फेज अपोजिशन में रहती है। फेज अपोजिशन मतलब ये है कि हम लोग ऐसा पोलैरिटी इसको इसकी पोलैरिटी इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिले वो जीरो मिले। मतलब कि आपस में तो ये सीरीज में रहेंगे लेकिन इसके पोलैरिटी जो होगी वो जस्ट अपोजिट होगी, और ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके वोल्टेज को मेजर करेगा कि हमें जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वोल्टेज जीरो मिल रहा है कि नहीं, ये पोलैरिटी हमारा क्या है कि हमारा अपोजिट हो गया है। तो पोलैरिटी अपोजिट पता करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है जो कि मेजर करेगा इसके वोल्टेज को। जब मैं पोलैरिटी को अपोजिट करूँगा तो हमारा क्या मिलेगा, वोल्टेज इस वोल्ट मीटर पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब जस्ट सपोज दैट अगर मैं पोलैरिटी को अपोजिट नहीं कर रहा हूँ, फेज अपोजिशन में नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि इसकी जो वोल्टेजेस होगी ये दोनों वोल्टेज का सम मिलेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर वन का वोल्टेज होगा प्लस ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर वी वोल्टेज होगा, ट्रांसफार्मर टू का वोल्टेज होगा, वो इसके इक्वल मिलेगा, यानी कि डबल मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर क्या खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो कनेक्शन होंगे वो सीरीज में होंगे, और तो और इसकी जो फेज जो पोलैरिटी होंगे वो फेज अपोजिशन में होंगे, तो ये यहाँ पर होंगे तो हमें रीडिंग जीरो मिलेगा। अब जब ये हमारा वोल्टेज अगर यहाँ पर जीरो हो गया तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू जीरो तो करंट भी ऑलवेज जीरो, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन R, जब हमारा वोल्टेज जीरो तो I भी हमारा जीरो। जब हमारा ये जीरो हो गया, जब करंट जीरो हो गया, इन द सेंस क्या हो गया कि ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट टाइप से बिहेव कर रहा है। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर ओपन सर्किट शॉर्ट के थ्रू, जैसे कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में जानते थे कि जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, तो हमारा एक आई नॉट नो लोड करंट फ्लो करता था, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है I नॉट। ये I नॉट जो हमारा क्या है, नो लोड करंट कहलाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी I नॉट मैंने दिखाया है कि दोनों ट्रांसफार्मर में I नॉट फ्लो करेंगे। जब ये फ्लो किया तो 2 I नॉट लिखने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमने दो ट्रांसफार्मर लिए हैं और दोनों की ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो बिल्कुल सेम है, तो दोनों में नो लोड करंट जो फ्लो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए I नॉट प्लस I नॉट इज इक्वल टू 2 I नॉट, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर 2 I नॉट दिखाया है। जब यहाँ पर 2 I नॉट है, नो लोड करंट फ्लो हो रहा है, और हम लोग जानते थे कि जैसे ही हमारा ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कोर लॉसेस मिलता है। कॉपर लॉसेस तो इसमें नेग्लेजिबल होता है, लेकिन कोर लॉसेस मिलता है नो लोड की कंडीशन पे, ठीक है। जैसे ही हमारा कोर लॉसेस मिलेगा, वो कोर लॉसेस क्या होगा, ये W1 उसको मेजर करेगा। W1 के थ्रू हमारा कोर लॉसेस मेजर होता है। W1 क्या करेगा, कोर लॉसेस को मेजर करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो लोड की कंडीशन बन रही है। जब नो लोड की कंडीशन बन रही है तो यहाँ पे कोर लॉसेज डेवलप्ड होगा, और कोर लॉसेज जो हमारा होगा वो W1 के थ्रू मेजर किया जाएगा। अब उसके बाद जब हमारी, हमने क्या किया, पोलैरिटी को अपोजिट किया, पोलैरिटी अपोजिट करने के बाद हमारी वोल्टेज जब जीरो मिल गई, यहाँ पर ओपन सर्किट की कंडीशन बन गई, तो अब मैं क्या करूँगा, इस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू या फिर इस ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे, मतलब कि स्लोली स्लोली मैं क्या करूँगा, इसके वोल्टेज को इनक्रीज करूँगा। और जब ये सेकेंडरी साइड की जो रेटिंग वोल्टेज होगी, उस रेटिंग वोल्टेज पे लाकर, यानी कि जो रेटिंग करंट होगी उस रेटिंग करंट पे मैं उसे क्या कर दूंगा, वोल्टेज रेगुलेशन को स्टॉप कर दूंगा, और ये वोल्टेज जो वोल्टेज रेगुलेशन की जो सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन के थ्रू, उसकी जो करंट होगी वो मेजर होगी इस A2 के थ्रू, यानी कि एमीटर के एमीटर जो होगा हमारा, उसके थ्रू मेजरमेंट किया जाएगा कि इसका जो रेटेड करंट जो हमें देना है वो इसके थ्रू जा रहा है, यानी कि ये मेजर करेगा कि अब बस यहाँ पर हमारा रेटेड करंट हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे उसे। उसके बाद क्या होगा, अब जब यहाँ पर भी हमारा करंट फ्लो होने लगा, यहाँ पर भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। एज अ शॉर्ट सर्किट में हम लोग जानते थे कि कॉपर लॉसेज मिलता है, क्या मिलता है, कॉपर लॉसेज मिलता है और कोर लॉसेज नेग्लेजिबल हो जाता है उसमें। तो कॉपर लॉसेज जो हमारा मिलता है वो डिपेंड करता है आई स्क्वायर आर पर। जब आई स्क्वायर आर पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर आई की वैल्यू गई, यहाँ पर हमारी आई गई, यहाँ पर हमने करंट फ्लो कराया, तो यहाँ पर कॉपर लॉसेज हमें मिलेगा। वो कॉपर लॉसेज जो होगा वो मेजर किसके थ्रू होगा, इस वॉट मीटर टू के थ्रू, यानी कि डब्लू टू के थ्रू हमारा कॉपर लॉसेज मेजर किया जाएगा। ठीक है, डब्लू टू के थ्रू हम लोग क्या हो गए कि कॉपर लॉसेज को मेजर करेंगे। ठीक है, ये होता है। अगर हम टोटल लॉसेज की अगर हम बात करें, टोटल लॉसेज की अगर बात करें, तो सबसे पहला तो हमारा क्या होगा कि कोर लॉसेज जो मिलेंगे वो टू सी कोर लॉसेज मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा डब्ल्यू वन के थ्रू, टू कोर लॉसेज, क्यों, क्योंकि इसका कोर लॉसेज दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनटू टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू टू के थ्रू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा दो टू कॉपर लॉसेज मिलेगा, सी ओ डबल पी आर कॉपर लॉसेज। जब हम लोग टोटल कॉपर लॉसेज की अगर बात करें तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू। सो फ्रेंड्स, हमारी मिल गई ये टोटल टोटल हमारी लॉसेज मिल गई यहाँ पर, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये हमारी हो गई टोटल लॉसेज। जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लॉसेज मिल जाएगा हमारा। उसके बाद ये तो हमारे हो गए लॉसेज, उसके बाद हमारे क्या होंगे, टेम्परेचर राइज का टेस्टिंग करेंगे कि हमारा टेम्परेचर राइज कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 48 आवर्स हमें कंटिन्यूअसली इस संपनम टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, रनिंग कंडीशन पर रखना पड़ेगा उस ट्रांसफार्मर के साथ। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 48 आवर्स के बाद कि हमारा कितने अमाउंट में टेम्परेचर राइज हो रहा है ऑयल में, कितना टेम्परेचर हमारा, कितने अमाउंट में हमारे टेम्परेचर राइज हो रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, मैं ये चेक कर सकता हूँ। ये मेथड इजली इस मेथड के थ्रू हम लोग इजली हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, इजली हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी लोडेड कंडीशन को चेक कर सकता हूँ कि मैं जिस लोडेड कंडीशन के लिए मैं इसे बना रहा हूँ वो लोडेड कंडीशन पूरा है कि नहीं है, या ओवरलोडेड कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हमारा था संपनम टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।